नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे बड़े लीडर और उनका अचानक से गायब हो जाना भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री। कई सालों से हमें ये बताया गया है कि नेताजी का अंत भारत के बाहर एक प्लेन क्रैश में हुआ, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सच है? एविडेंस क्या कहता है? 23 जनवरी सुभाष बाबू की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। क्या हम एटलीस्ट उन्हें एक गिफ्ट दे सकते हैं? सच का गिफ्ट। इस वीडियो में हमारे कुछ सवाल हैं। अगर नेताजी का देहांत 1945 में एक प्लेन क्रैश में हुआ था, तो 1967 तक उनके घर पर और उनकी फैमिली पर गवर्नमेंट ने नजर क्यों रखी? सुभाष बाबू के रिमेन्स की आज तक डीएनए टेस्टिंग क्यों नहीं हुई? पूरे भारत से सच क्यों छुपाया जा रहा है? अगर आपको भी लगता है कि इन सवालों के जवाब हम सबके लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प। बात है 1945 की, जब पूरी दुनिया को एक शॉकिंग न्यूज मिली, मिस्टर सुभाष चंद्र बोस डेड। रीजन बताया गया प्लेन क्रैश। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि कई देशों की मीडिया ने जिस हॉस्पिटल में सुभाष बाबू ने अपना दम तोड़ा, उस हॉस्पिटल में जाकर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट करने की कोशिश की। उनमें से किसी को भी ना की परमिशन मिली, ना की एक सिंगल फोटो। और सबसे सस्पिशियस बात तो यह है कि इतने बड़े ग्लोबल आइकॉन, जो जापान, जर्मनी, रशिया के लीडर्स के साथ भारत की आजादी के बारे में स्ट्रेटेजी डिस्कस करते थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं। डेथ सर्टिफिकेट तो इचिरो ओकुरा नाम के एक जापानी सोल्जर का, तो सुभाष बाबू का क्या हुआ? इंक्वायरी शुरू हुई। सन 1949 में आजादी के सिर्फ 2 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद हिस्टोरियन प्रतुल चंद्र गुप्ता जी को अपॉइंट किया था। गुप्ता जी का यही गोल था कि इंडियन नेशनल आर्मी पर रिसर्च करे और उनका भारत की आजादी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इस पर किताब लिखे। ये सारा रिसर्च कुछ महीने नहीं, 3 साल तक चला और 490 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट रेडी थी, जिनमें INA के मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में पूरा ज्ञान था। लोगों को लगा कि अब नेताजी और आजाद हिंद फौज का असली कॉन्ट्रीब्यूशन लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन ये मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश ही नहीं हुई। क्यों? ऐसे क्या सीक्रेट्स है उस किताब में? हमें इसके जवाब नहीं मिलते, मिलती है तो बस कुछ थ्योरीज। कई लोग मानते हैं कि सुभाष बाबू कई सालों के लिए रशिया में थे, जिंदा थे, और 1985 तक अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनके बारे में जानकारी थी। नेहरू जी की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत यूनियन की एम्बेसडर थी। उनकी रशिया के एक विजिट के बाद एक कहानी ऐसी है, जहां लोकल्स कहते हैं कि एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ऐसे कहा था, रशिया में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिनका नाम सुनने पर पूरा देश 15 अगस्त 1947 की आजादी के अनाउंसमेंट के बाद जितना खुश हुआ था, उससे भी ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन ये स्पीच कंप्लीट करने से पहले ही नेहरू जी ने उन्हें रोक लिया। सच से हम सबको इतना दूर क्यों रखा जा रहा है? 1955 शाहनवाज कमीशन, 1970 खोसला कमीशन। भारत में 2 बार नेताजी के डिसअपीयरेंस की मिस्ट्री के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई और दोनों बार उन्होंने कंक्लूड किया कि नेताजी की डेथ ताइवान में प्लेन क्रैश से हुई। और फिर 1999 में और एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, मुखर्जी कमीशन, जहां ये कहा गया कि सुभाष बाबू की डेथ एक प्लेन क्रैश में होना पॉसिबल ही नहीं। पिछले 2 इन्वेस्टिगेशन यहीं पे भारत में ही हुए थे, बल्कि ये इन्वेस्टिगेशन ताइवान में ऑन ग्राउंड भी हुआ था। और ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि 1945 में ताइवान में ऐसे किसी प्लेन क्रैश का रिकॉर्ड ही नहीं। आज की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, साइंस की हेल्प से मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। तो टोक्यो में रेंकोजी टेंपल में जो एशेस रखी गई है, जिन्हें सुभाष बाबू के रिमेन्स कहते हैं, वो उनके एशेस कैसे हो सकती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली आज भी उनके रिमेन्स की डीएनए टेस्टिंग मांग रही है, जिससे ये प्रूव हो सकता है कि आखिर उस प्लेन में बोस थे भी या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी और कहीं नहीं भारत ही लौट आए थे, लेकिन सच किसी को पता नहीं। 2016 में सरकार ने ऐसे कई फाइल्स पब्लिक कर दी जिनमें नेताजी के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स भी इनकम्प्लीट है। इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए या कर दिए गए? लेकिन नेताजी इतने इम्पोर्टेंट क्यों? नेताजी के इतने दुश्मन क्यों? सिर्फ 20,000 ब्रिटिश 30 करोड़ भारतीय लोगों पर राज कैसे कर सकते हैं? ये इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल तभी हुआ जब ब्रिटिशर्स ने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया, उन्होंने इन्हीं 30 करोड़ भारतीयों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। हमारे वीर उनकी ताकत बन गए थे। और सच तो ये है कि ब्रिटिश 1857 की लड़ाई से ही इन वीरों से डरते थे। कोलकाता के एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने खुद कहा था कि अगर हर एक भारतवासी मुट्ठी भर मिट्टी अंग्रेजों पर एक साथ डाल दे, तो पूरा एम्पायर दफन हो जाएगा। और नेताजी ने ब्रिटिशों के इसी डर को पहचाना था। नेताजी के इस मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के बाद भी नेताजी एज ए लेजेंड भारत की आर्म्ड फोर्सेस में जिंदा था। और 1946 के रॉयल नेवी म्यूटिनी इस बात का सबूत। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर नेताजी जिंदा होते, भारत में होते, तो वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। और इस फैक्ट की वजह से उन्होंने देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी कई एनिमीज बनाए हुए थे। वो तो भारत को लीड करने के लिए इस लेवल तक तैयार थे कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना और कहां कहां होना चाहिए, हमारे देश का विजन क्या होना चाहिए, ये भी वो जानते थे। अगर नेताजी जिंदा होते तो आज भारत कई साल आगे होते। दुख की बात यह है कि नेताजी के साथ साथ आजाद हिंद फौज का हमारे भारत के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन आज 70 साल बाद या तो हमारे हिस्ट्री बुक्स में से मिसिंग है, या तो बस एक लाइन बनकर रह गया। नेताजी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर हम उनको एक प्रॉमिस जरूर कर सकते हैं।
कि हम उनका और उनके जवानों का बलिदान कभी नहीं भूला था, और आज उनकी मेमोरीज उनके वैल्यूज के रूप में उन्हें जिंदा रखने से मुझे फर्क पड़ता है।